स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें प्राण शक्ति को समझना बहुत ही जरूरी है, जिसके नियमित अभ्यास से हर प्रकार के खतरनाक रोगों का इलाज संभव है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर प्राणी श्वास लेता है। श्वास के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यह केवल हवा को अंदर लेने व बाहर निकालने मात्र की क्रिया नहीं है। यदि आप सही तरीके से श्वास लें तो यह जीवनी शक्ति को अपने अंदर समाहित करने की क्रिया है। आप अपनी इस भागदौड़ की जिंदगी के कारण सही रूप से श्वास लेना भूल गए हैं। यदि आप सही रूप से श्वास लेंगे तो प्राण शक्ति एक भी रोग को आपके पास नहीं आने देगी। यदि आपको श्वास लेने की सही प्रक्रिया सीखनी है तो कुछ माँ के छोटे से बच्चे को देखिए, जो निश्चिंतता के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है। आप देखेंगे कि वह श्वास लेता है तो उसका पूरा पेट व छाती फूल जाती है। जब छोड़ता है तो पूरा पेट व छाती खाली हो जाती है। जबकि आप श्वास लेते हैं केवल ऊपर ऊपर से, न आपकी छाती को पता होता है और न ही आपके पेट को, यानी आप बेखबर होकर श्वास लेते हैं। पता ही नहीं आपको कब श्वास आया और कब श्वास चला गया। वास्तव में आपको श्वास ऐसे लेनी चाहिए जिससे आपकी छाती पूरी तरह से भर जाए और जब छोड़ें तो पूरी तरह से खाली हो जाए। इससे आपके फेफड़ों की सही रूप से सफाई होगी। आपका शरीर प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान होगा। क्या आपको पता है कि प्राण शक्ति को प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित करके असीम शक्ति, मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य मानव से महामानव बन जाता है। शरीर पूर्णतया एक ऊर्जावान बन जाता है। प्राण शक्ति के विषय में जानने के लिए ध्यान, मेडिटेशन की संपूर्ण क्रियाओं के विषय में जानने के लिए आपके अपने इस डॉक्टर शंभु योगी नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी क्रियाएं बताई जाएं, इनको कृपया ध्यान से करें। इस मार्ग पर आगे बढ़ें, रोगों से मुक्त हों और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें।